हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि एंड्रॉइड को वरदान मिला हुआ है कस्टमाइजेशन का। इसमें जो भी चीजें दिया हुआ है आप इसे एक एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हो और अपने फोन को एक यूनिक लुक दे सकते हो। हालांकि मैंने कस्टमाइजेशन पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है और मैं अपने हर वीडियो में ये ट्राई करता हूँ कि कुछ इस बार नया दूँ, तो जाहिर सी बात है वो सारी वीडियो के कंपैरिजन में इस वीडियो में आपको कुछ यूनिक ही मिलने वाला है। जैसे कि आप अपने फोन में ओल्ड वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी रूटिंग, कोई भी कस्टम रोम का झंझट नहीं, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे हैक्स का खजाना देखने को मिलता रहता है। तो फिर चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है यंत्र लॉन्चर। तो अगर आप अपने दोस्तों के सामने अपना फोन निकाल कर कूल बनना चाहते हो और डेवलपर जैसी फीलिंग्स लाना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो बेसिकली इस लॉन्चर का खासियत क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारी कोड्स जैसा कुछ दिखने को मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर लॉन्च दिख रहा है और यहाँ पर लॉन्च पर टाइप करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ YouTube और इस पर टाइप करता हूँ तो हमारा YouTube ओपन हो जाता है। इवन मैं यहाँ पर कॉल पे टाइप करता हूँ और यहाँ पर किसी का भी नंबर ऐड करता हूँ या फिर उसका नाम यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरी कॉन्टैक्ट में सेव है और उसके बाद यहाँ पर मैं सेंड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उसके यहाँ कॉल लग जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लैश लिखता हूँ और स्पेस बार पे क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है और मैं जैसे ही ऑन पे टाइप करता हूँ और इसे सेंड करता हूँ तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो आप यहाँ से अपने फ़ोन को पूरी तरीके से यहीं से यूज कर सकते हो। जैसे मैं गूगल यहाँ पे टाइप करता हूँ और सर्च टाइप करता हूँ और फिर मैं इसे सेंड करता हूँ तो यहाँ पर गूगल सर्च बार मेरा यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें करने में प्रो वाली फीलिंग्स आती है। और ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज करने में तब मजा आएगा अगर एंड्रॉयड 7 हो तो, क्योंकि एंड्रॉयड 8 से प्राइवेसी इशू की वजह से बहुत सारे फीचर्स को रिमूव कर दिया गया है, जैसे टॉगल्स वगैरह को ऑटो ऑन ऑफ करना और ऑटो शटडाउन। जैसे कि मैंने मैक्रोडॉट से रिलेटेड वीडियो बनाया था जो एंड्रॉयड 8 के नीचे वाली फीचर जो फोन है वो मैक्रोडॉट के हेल्प से एक लिंक पर टाइप करते ही तो वो फोन ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाया करता था, बट एंड्रॉयड 8 के बाद ये सारी फीचर्स को रिमूव कर दिया गया प्राइवेसी इशू की वजह से। बट हाँ, मैक्रोडॉट से रिलेटेड बहुत सारी हैक्स बताया हुआ है जो कि करंट वर्जन में वो काम करती है, तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उस पर टाइप करके जाकर देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप होम स्क्रीन से ही कर सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी कोड्स वगैरह दी हुई है जैसे कि आप इस पर टाइप कर करके आप एक एक करके यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर W पर क्लिक करता हूँ यानी कि वेदर, तो जैसे कि मुझे न्यू दिल्ली का वेदर देखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यू दिल्ली सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। टेम्परेचर, फील लाइक, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें ह्यूमिडिटी वगैरह दिखा दी है। तो इसमें जो भी चीज़ें कोड वगैरह दिया हुआ है आप एक एक चीज़ करके आप इसे यूज कर सकते हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है एनीमे लॉन्चर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी के टाइम में एनीमे सबको कितना पसंद है, तो अगर इस पे लॉन्चर मिल जाए तो इसकी बात ही अलग है। सो फ्रेंड्स, आप इस लॉन्चर की UI देख सकते हो, ये वाकई में बहुत ही परफेक्ट है और इस एनीमे की साउंड इस लॉन्चर को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे कि आप किसी एनीमे फिल्म में आप साउंड सुनते हो वही सेम साउंड इसमें दी गई है। आप इस कैरेक्टर पर टाइप करोगे तो इसकी साउंड इफेक्ट्स आपको सुनाई देगी, जैसे कि आप सुन सकते हो। Hey, I love you. Hi, hi. इतना सुकून। और इस कैरेक्टर को 2 फिंगर से पिंच करके आप इधर उधर मूव भी कर सकते हो और चाहो तो इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इस मॉडल पे टाइप करके आप इस कैरेक्टर से चैट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी मॉडल का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप इसे चूज करके इस कैरेक्टर से बात तक भी कर सकते हो, आपको जो भी होम पेज में सेट करना है सेट कर सकते हो। अब मैं इसकी एनीमे सेटिंग्स की बात करूं तो इसमें आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिलती है। अपीयरेंस जैसे चीज़ों को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, फॉन्ट वगैरह डार्क आइकन कर सकते हो या फिर नोटिफिकेशन को हाइड करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और इसमें आपको बहुत सारी आइकन शेप की ऑप्शन मिल जाती है जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप को यूज कर सकते हो। और अगर आपको सारी मेन फीचर्स को एक ही जगह से एक्सेस करना है तो आप टूल बॉक्स पर क्लिक करके आप सारे फीचर्स को यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वर्चुअल मास्टर। ये एप्लीकेशन बेसिकली आपके फोन में एक वर्चुअल एंड्रॉयड को क्रिएट कर देता है और इससे आप अपने फोन में 2-2 एंड्रॉयड वर्जन को यूज कर रहे होते हो और इसमें किसी भी प्रकार का रोम को कस्टम करने की जरूरत नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप कोई
एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो या फिर किसी गेम का यूज करना चाहते हो तो आप इस वर्चुअल एंड्रॉयड में यूज कर सकते हो, जिससे आपका फोन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका सेटअप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी है। मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आपको उसी तरीके से फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अबाउट फोन में जाकर बिल्ड नंबर पे जाकर आपको 7 times आपको टैप करना है, जिससे कि आपकी डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। इनेबल हो जाने के बाद डिसेबल चाइल्ड प्रोसेस रिस्ट्रिक्शन को आपको उसे इनेबल करना है। ये सारी सेटअप वगैरह कर लेने के बाद अब आपको आना है वर्चुअल मास्टर एप्लीकेशन में। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर लेना। तो ओपन करने के बाद आपको यहां पर दो चीजें देखने को मिलेगी, एक VM और एक यहां पे फॉर यू। तो आपको यहां पर VM पे टाइप करना। जब आप VM पे टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैंने एंड्रॉयड 11 का रोम यहां पे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं कोई और सा रोम यहां पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले आपको यहां पे कोई सा भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं एंड्रॉयड 9 यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, फिर ऑटो ऐप डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद तो आपको डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे लेकर जाएगा, और आपको जो भी टेलीग्राम पे वो हाईलाइटेड एप्लीकेशन आएगा आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इतना झंझट नहीं करना है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको सबसे पहले आपको सेव टू डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपकी फाइल्स में वो सॉफ्टवेयर सेव हो जाएगी। जब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे टैप कर देना। आपने जिस भी वर्जन को इंस्टॉल किया है आपको उसी वर्जन पे क्लिक करना। जैसे कि मैंने 9 को किया तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट पे जैसे ही जाओगे, आपने जिस भी पाथ पे उस सॉफ्टवेयर को सेव किया है आपको उसी पाथ में से जाकर आप उस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे डाउनलोडेड यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टाइप कर देना। फिर यहाँ से आपको जो भी रेजोल्यूशन वगैरह सेट करना है आप सेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे टाइप कर देना। फिर यहाँ पर जो भी नेम वगैरह क्रिएट करने को आएगा करके फिर कंप्लीट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट VM का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। अब ये थोड़ा सा इंस्टॉलिंग होने में टाइम लेगा, तो आपको थोड़ी वेट कर लेनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 9 वर्जन इंस्टॉल हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें एंड्रॉयड 11 या फिर 7, 8 कोई सा भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं सारी एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप उसे ट्राई ज़रूर करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी एंड्रॉयड 9 की इंटरफेस आ चुकी है। आप इसका सेटिंग्स भी ओपन करोगे तो आपको एंड्रॉयड 9 की ही सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें भी डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अबाउट फोन में आकर आपको बिल्ड नंबर पे 7 times आपको टैप करते रहना। जब आप टैप करते रहोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और इसमें भी आप डेवलपर ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इसमें आपको जितनी एंड्रॉयड 9 की फीचर्स वगैरह आपको वो सारी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले, साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी वगैरह, लोकेशन, सिक्योरिटी वगैरह, फिंगरप्रिंट जैसे ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। फिर एसेसिबिलिटी है, सिस्टम है। सिस्टम में आपको जेस्टर वगैरह और डेट एंड टाइम, बैकअप वगैरह, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके करंट वर्जन से आप इस वर्जन में एप्लीकेशन को इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहां से क्लिक करके कोई सा भी एप्लीकेशन को इंपोर्ट कर सकते हो और इस वर्जन में इसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये वर्चुअल एंड्रॉयड आपको बाहर से कोई सा भी पीके या फिर कोई टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन को बनाया गया है, ताकि आपका जो करंट वर्जन है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, उस पर कोई सा भी इम्पैक्ट ना पड़े। बाकी तो इसमें एंड्रॉयड 9 या फिर 11 जो भी ओल्ड वर्जन है उसका एक्सपीरियंस तो कर ही सकते हो। कैमरा में भी आपको वही ओल्ड वर्जन जो भी फीचर्स वगैरह थी इसमें आप यूज कर सकते हो। तो इसी के सिमिलरली एक एप्लीकेशन और है VPhone OS करके, आप उसे भी यूज कर सकते हो। दोनों का काम सेम ही है, एक कस्टम एंड्रॉयड को क्रिएट करना। आपको दोनों में से जो अच्छी लगे आप चूज करके यूज कर सकते हो। अब अगर आपको अपने फ़ोन को एक नया लुक और एस्थेटिक लुक देना है तो आप इस लिक्विड लॉन्चर को ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको तरह तरह का थीम्स दी हुई है, और आपको इसमें बहुत सारी वेजेट का ऑप्शन मिलता है, और वॉलपेपर में भी आपको 4K वॉलपेपर देखने को मिलती है। जैसे कि मैं कोई सा भी एक थीम को अप्लाई कर लेता हूँ, अप्लाई करने के बाद आप इस फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हो कितनी अमेजिंग लग रही है। फिर यहाँ मुझे ऐप लाइब्रेरी भी देखने को मिलता है, जो भी रिसेंटली एप्लीकेशन को यूज़ किया है ये भी दिख जाता, और कैटेगरी वाइज भी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। ऐप लाइब्रेरी में ये सारी एप्लीकेशन का एक्सेस देखने को मिल जाता। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मूवीज। ये बेसिकली जब आप म्यूजिक वगैरह सुनोगे तो आपके इस स्क्रीन पर विजुअल इफेक्ट शो करेगा। Yeah.
इसके पहले मैंने मूवीज एज बताया था, उससे काफी बेटर है ये, क्योंकि ये ज्यादा स्क्रीन को कवर नहीं करता। इसमें आपको बहुत सारे विजुअल इफेक्ट देखने को मिल जाती है और इसे आप जैसे चाहो इसे वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें बहुत सारा शेप वगैरह दिया हुआ है जो कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। फिर कलर है, फिर कलर ग्रेडियंट है, फिर साइज है, हाइट है, फिर ट्रांसपेरेंसी है। वो कैटेगरी वाइज भी आपको सारे इफेक्ट देखने को मिल जाती है, ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू। तो आप इसमें से जो भी चाहो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। वैसे तो ये लैंडस्केप में भी ये डिफॉल्ट सेट रहती है, अगर आपको इसे ऑफ करना है हाइड इन लैंडस्केप वाले टॉगल्स को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट विजुअल इफेक्ट दी हुई है जिसे कि आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही और कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आप इस आई बटन पे क्लिक करके ये सारी वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।